हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है मैं रिव्यू करने वाला हूँ अबाउट अ नेटफ्लिक्स मूवी कॉल्ड मसूल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये मूवी का रेटिंग क्या है। तो ये मूवी का एज पर आईएमडीबी रेटिंग 7.2 आउट ऑफ 10 है। अगर टाइम ड्यूरेशन का बात करें तो ये मूवी टोटल 1 आवर 42 मिनट्स लॉन्ग एक मूवी है। एंड अगर इसका साइज़ का बात करें तो इसका अगर आप डाउनलोड करते हैं फ्रॉम नेटफ्लिक्स तो इसका 413 MB एक स्टोरेज स्पेस इसको चाहिए इन ऑर्डर टू गेट स्टोर्ड इन योर मोबाइल। तो ये हो गया इस मूवी का रेटिंग, टाइम एंड स्टोरेज के बारे में। अब हम लोग अगर इस मूवी का बेसिक जो स्टोरी लाइन है, बेस लाइन है, उसके बारे में बात करें तो ये बेसिकली शो करता है एक वॉर बिटवीन ISIS टेररिस्ट एंड इराक पुलिस। तो ये एक्चुअली फोकस करता है पर्टिकुलर पुलिस ग्रुप के ऊपर जो कि इराक के पुलिस से बने हुए हैं। एंड इसका पूरा शूटिंग में मसूल बोल के एक सिटी है इराक में, उसको दिखाया गया है जहाँ की ISIS टेररिस्ट अपना बेस बनाया हुआ है एंड बहुत ज़्यादा डैमेज किया हुआ है टू लोकल सिविलियंस। एंड अमेरिकन फोर्स भी है बट मेनली इसमें फोकस किया गया है ऑन द लोकल पीपल ऑफ मसूल हु हैव जॉइंड द इराक पुलिस। तो इसमें बेसिकली मेन जो फोकस है वो 9th SWAT टीम। 9th SWAT टीम क्या है? तो 9th SWAT टीम एक एलिट पुलिस फोर्स है जहाँ पे जो है सिलेक्टेड कुछ ही कैंडिडेट है एंड उसका एक रेपुटेशन है लाइक फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द ISIS टेररिस्ट। तो और एक चीज़ जो इसमें बताया जाता है शुरू में ही कि पीपल थिंक आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड वॉर, काफ़ी लंबा एक लड़ाई चलता है, वॉर चलता है बिटवीन दिस पुलिस फोर्स एंड ISIS टेररिस्ट एंड लास्ट में ISIS भी मतलब लगभग छोड़ के चला जाता है इराक को। एंड पीपल थिंक दैट जो 9th SWAT टीम है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है, सब लोग जो है इस वॉर में मारे जा चुका है। बट सरप्राइजिंगली इन द मूवी इट रिवील्स दैट कुछ मेम्बर जो है अभी भी जिंदा है एंड दे आर ऑन देयर फाइनल मिशन। वो फाइनल मिशन में है एंड एज यूजुअल जैसे कि एक कोई भी स्वाट टीम या आर्मी का कोई टीम या डिस्पैच यूनिट पे एक कमांडो का जो है एक लीडर होता है, यहाँ पे भी एक लीडर है जो कि इन लोग को गाइड करता है एंड ऑन द वे कुछ रिक्रूट भी होता है इन द स्वाट टीम। एंड ये स्वाट टीम इतना डेडली है कि ISIS टेररिस्ट क्या करता है कि जब भी कोई दूसरा पुलिस को कैप्चर करता है ड्यूरिंग अ वॉर तो उनको एक मौका दिया जाता है कि आप जो है अपना पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ के ISI को ज्वाइन कीजिए, कन्वर्ट होइए। बट इफ़ दे एवर कैप्चर एनी मेंबर ऑफ द स्वाट टीम उनको डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया जाता है, उनको मौका भी नहीं दिया जाता है क्योंकि स्वाट टीम इज़ नोन फॉर देयर डेडली फाइट अगेंस्ट द ISIS टेररिस्ट। तो बेसिकली इसी स्टोरी का बेस लाइन या प्लॉट लाइन आप कह सकते हैं इसके ऊपर मूवी जो है रिवॉल्व करता है कि किस तरीके से वहाँ का पीपल का लाइफ अफेक्टेड हुआ है, इराकी पुलिस क्या कर रहा है, यह स्वाट टीम एक कोवर्ट ऑपरेशन के तरह अंडरग्राउंड में किस तरीके से हिडन होके अटैक कर रहा है एंड अपना कंट्री के लिए फाइट कर रहा है। तो बेसिकली यही सब के ऊपर जो है स्टोरी बेस्ड है एंड प्योरली एक्शन मूवी है। तो इसमें अगर आपको एक्शन मूवी पसंद है इसको बहुत आपको पसंद आएगा। एंड अगर लैंग्वेज का बात करें तो ये मूवी का जो ऑडियो अवेलेबल है वो अरेबिक में अवेलेबल है, तो अरेबिक लैंग्वेज है बट इंग्लिश सबटाइटल्स है। तो अगर आप मूवी को देखते हैं तो लैंग्वेज के साथ जो है सबटाइटल्स को फॉलो करने पे आपको पूरा मूवी अच्छे से समझ में आएगा, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अगर इसके बाद हम मेरा पर्सनल ओपिनियन का बात करूँ तो आई पर्सनली लाइक टू वॉच अ वाइड वैरायटी ऑफ वेब सीरीज एंड मूवीज ऑफ डिफरेंट जॉनर्स। तो एक्शन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड ये जो है मूवी ये ट्रू इवेंट पे बेस्ड है विच मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग। सो मेरे हिसाब से यू नो लाइक इंग्लिश एंड हिंदी मूवी तो एंड रीजनल लैंग्वेज की मूवी तो सब लोग देखते ही है बट थोड़ा बहुत आउट ऑफ द वे भी एक्सप्लोर करना चाहिए जो अदर लैंग्वेज में भी है। तो उसी तरीके से अरेबिक लैंग्वेज में होने पर भी इसका सबटाइटल इतना बढ़िया तरीके से दिया गया है कि सब समझ में आता है फ्रॉम स्टार्ट टिल दी एंड। सो एज़ पर माई रिकमेंडेशन आई शुड डेफिनेटली एनकरेज यू गाइज टू वॉच दिस पर्टिकुलर मूवी। और आपको एक्शन पसंद है तो इसको बहुत पसंद आने वाला है ये मूवी आपको, तो एक बार कम से कम देखना ही चाहिए। आई टोटली लव्ड इट एंड आई थिंक यू गाइज शुड ऑल्सो वॉच इट। एंड इसका जो IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10,
दैट इट्सेल्फ सजेस्ट दैट दिस मूवी इज मच अबव द एवरेज लाइन. सो दैट वॉज माई ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट टूडेज नेटफ्लिक्स मूवी मसूल. तो होपफुली आप लोग भी ये मूवी को एंजॉय करेंगे, ये मूवी को देखिए ज़रूर. एंड इसके रिलेटेड कुछ भी अगर इनपुट रहा, सजेशन रहा या क्वेश्चंस रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड इसी तरीके का अलग अलग नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ एंड मूवीज़ का मेरा एक रिव्यू का प्लेलिस्ट बना हुआ है. नेटफ्लिक्स रिव्यू बोल के एक मेरा प्लेलिस्ट है जिसका लिंक ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो. और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ है. एंड इफ़ यू गाइज आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन सो दैट इट गिव्स मी पॉजिटिव मोटिवेशन. एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. सब्सक्राइब बटन में हिट कीजिए, उसके बगल में रेड नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट कीजिए सो दैट इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे. तो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू गाइस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. जय हिंद.